हमारे खेत में थे जानवर, पुलिस वालों ने पकड़ कर लेकर, तो उसके अंदर हम उनको इतनी फोर्स करे कि वो हमारे जानवर है, हमारे जानवर है, उन्होंने हमारा हमारा कुछ सुने नहीं, और हमारे से डर कर, हमारे को डरा धमका कर बोले कि हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, अंदर डाल देंगे। मेरा उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, मेरे पास 30-40 एकड़ खेती है, मेरे पास ऑलरेडी उतने जानवर हमारे बाप दादा के जमाने से है, लेकिन उन्होंने हमारा सुने नहीं, और हमारे को दम डाटी कर कर बोले कि हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, अंदर डाल देंगे। इसके कुरैशी के अलावा हमारे उस कुरैशी लोग के अंदर हमारा इन्वॉल्व नहीं होकर भी उन्होंने मेरा नाम केस के अंदर डाले। बजरंग दल और RSS के लोग थे, तो इन्होंने पुलिस वालों को हर जगह भेज भेज कर जानवर पकड़ने लगाए, जबकि वो कुरैशी लोग के जानवर थे भी नहीं। उन्होंने किससे पूछे नहीं किसके है किसके नहीं, उन्होंने डायरेक्ट उठाए और डायरेक्ट लेकर गए। तो उसके बाद उन्होंने जानवर लिख जाने के बाद सारे गांव में से रैली वो सब निकालते हुए लेकर गए। घर के जानवर थे वो, पाले हुए बचपन से। बटन वावर धर ले ले तो माँ जी स्वता अच्छी पाँच जानवर है, एक बैल एन चार गाय। आम्ही बाजार ले गेल तो आमचे पाठीमा गए ते ने घेऊन गे। वो वापर आए थे सारे पुलिस वाले, मेरे जानवर चर रहे थे। अब वो वापर सब आए तो मैं जानवरों के पास गया तो उन्होंने जानवर खोलना चालू करे। तो मैं मैडम को बोला ये जानवर मेरे हैं, तो बोले नहीं, बोले ये तुम्हारे हैं तो पुलिस स्टेशन में आके ले जाओ। तो मैं बोला पुलिस स्टेशन में क्यों, तुम चरते जानवर लेके जा रहे मेरे मल्ले में चर रहे जानवर? तो बोले नहीं, बोले उनका कोई प्रूफ है। मैंने फोटो बताया जानवरों के, मतलब उसके जानवरों के फोटो है और उसके कान में बिले आधार कार्ड से जो लिंक है। तो मैंने उनको बोला ये आधार कार्ड से लिंक है और सरकारी डॉक्टर ये बिले मारता, तो ये उसकी पावती है सरकारी डॉक्टर की और उसपे सिक्का भी है और ग्राम पंचायत का भी सिक्का है। तो ये बोलने के बाद भी वो बोले कि आप पुलिस स्टेशन में आओ और तुम्हारे जानवर लेके चले जाओ। डॉक्यूमेंट बताने के बाद, ये डॉक्यूमेंट बताए वहां पर, तो वो जानवर छोड़ रहे थे पर कुछ RSS के लोगों ने बोले कि ये जानवर सब गौशाला में जाएंगे, ये जानवर एक भी कोई लेके नहीं जाएगा। तो इन्होंने सारे जानवर जब्त कर दिए। फिर अब उनको अगर बोलने को जा रहे तो बोलते कि तुम्हारे नाम की गुनाह दाखिल कर देंगे। तो फिर वहां पर कोई गया ही नहीं। हम IG साहब के पास गए थे तो उन्होंने हमारा बहुत सहकार्य करा। हम सच्चा सब धर्म के लोग IG साहब के पास गए थे, शांति कमेटी के लोग हैं वो, हम सब साथ में गए, और उन्होंने तुरंत उन्हें फोन कर कर बोले कि जिस जो शेतकरी के जानवर है उनके छोड़ डालो तुरंत। उन्होंने हमारा बहुत कॉपरेट किया, उन्होंने हमारे जितने भी जानवर पकड़े गए थे उतने उन्होंने तुरंत कॉल किए और कहा कि छोड़ दो उनके, जो शेतकरी लोग के जानवर है उनके छोड़ दो। और वो जानवर ले जाने की वजह से गांव का माहौल भी खराब हो रहा था, और उसके अंदर उन्होंने बहुत तमाशा कर कर जानवर लेकर गए। और ये उनकी कॉपी।